दुनिया में विख्यात नहीं हो, लेकिन ऐसा भी समय दुनिया में आएगा कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा विख्यात हो जाओगे। ये अंडरग्राउंड मिलिट्री है, ऐसे ही ये सन्यासी है जिनके लिए बोला है कि जब ये बड़े बड़े सन्यासी ज्ञान में निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। ये गंगा और गंगा के फॉलोअर्स है, अभी तक जितना भी एडवांस ज्ञान फैला वो दक्षिण भारत के विदेशियों के बीच में फैल रहा है या उत्तर भारत के जो बड़े बड़े धर्माचारी है उनके बीच में फैल रहा है, उत्तर भारत के बीच में फैल रहा है जो बेचारे भाषा भी नहीं जानते, ये बड़े बड़े अननोन वॉरियर ये भी निकलेंगे, और जब ये निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी, वो भी प्रसिद्ध हो जाएंगे और तुम्हारी भी प्रसिद्धि संसार में होगी। इसका नाम दिया है अनामिका, उसका पांडा, उसका नाम क्या है, नकुल। और आखिरी पांडव सहदेव। ये है तो सबसे छोटा, इतने भी आस्तिक धर्म है, साकार को मानने वाले हैं, उनमें सबसे छोटा है। लेकिन खासियत क्या है, कोई भी धर्म मांगे को सहयोग नहीं किया विदेशियों को, विधर्मियों को। सदैव किसको सहयोग दिया है, हिंदुओं को सहयोग दिया, दूसरे धर्म वालों को कभी सहयोग नहीं दिया। माना सिख धर्म, तो वहां से कोई आत्मा निकलती है, कमजोर धर्म है ना आर्थिकों में, कितने साल चलता है, सिर्फ 500 साल। उस धर्म से निकलने वाली आत्मा वो सबसे जाति सहयोगी बनती है। उसका नाम है सहयोग, सहदेव, देवता को सहयोग देने वाली, दूसरों को सहयोग देने वाली नहीं है। लेकिन जो देव आत्माएं थे और उनके जो भी सहयोगी थे वो अंतिम जन्म में आकर सबसे कमजोर बन जाते हैं या पावरफुल बन जाते हैं, सबसे कमजोर बन जाते हैं। और बुद्धि में तो इतने कमजोर बन जाते हैं कि हर धर्म की आत्माएं बेसिक नॉलेज को, एडवांस नॉलेज को अच्छी तरह पकड़ती है, लेकिन खासकर एडवांस नॉलेज को सिख धर्म की आत्माएं नहीं पकड़ पाती। सूरज जब से उगता है मध्यम मध्यम रोशनी, धीमी धीमी रोशनी भी देता है, तब भी नहीं पहचान पाती। पहचानती है जब सूर्य एकदम दोपहर के 12 बजे तपता है तब पहचानती। तो ऐसी क्वालिटी की आत्माओं के बीच से वो पंजाबी खून की आत्मा जगदम्बा जन्म लेती है, इसलिए गाय में हिलेगी धुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं,
क्योंकि उसने ऐसा कार्य किया है, जिस कार्य के आधार पर इतने सब बैठे हुए हैं, नहीं तो कोई भी यहाँ होता नहीं। क्या कार्य किया है? पहले पहले नंबर में वो सरेंडर हुई, आपके वो कहाँ सरेंडर हुई? यमुना पहले सरेंडर हुई, अरे सरेंडर तो हुई, लेकिन निभाना बड़ी बात है या समर्पित होना बड़ी बात है? निभाना बड़ी बात है। तो जितना लंबे समय तक उस आत्मा ने निभाया, उतना किसी ने नहीं निभाया। तो निभाने के आधार पर ही जो 16,000 गुप्त गुप्तिकाएं हैं, वो अपनी मनुष्य को सरेंडर करते हैं। लेकिन उसकी भी ये दशा हो जाती है क्या कि दुनिया कहती है डूबी की डूबी, गई की गई, और बाप कहते हैं वो नहीं डूबी। अरे उसकी तो बात यही किया, जो संन्यास धर्म की मुख्य आत्मा है, मुख्य नदी है गंगा नदी, वो अभी ज्ञान में है या नहीं है? नहीं है। कभी एडवांस में थी या नहीं थी? कभी क्या हाल है? दूरी कहेंगे या ना दूरी कहेंगे? क्या कहेंगे? राम तेरी गंगा मैली, क्योंकि वो भी फॉलो करती है, और सावन नंबर सरेंडर होने वाली को चाहे गंगा हो यमुना हो सरस्वती हो और चाहे लक्ष्मी हो, ये सब अभी डूबे हुए में कही जाएंगी या सहयोगियों में कही जाएंगी? सब डूबे हुए। पहले पहले उसे उभरना चाहिए, सब गांठ होती है, तब सभी अनुष्ठान सफल होते हैं। ये छोटी उंगली है सब धर्मों से कम लंबे समय का पार्ट बनाने वाली जो आत्माएं हैं, जिन्होंने बड़े लंबे समय तक सहयोग दिया है, उन आत्माओं से पहले पहले सरेंडर होने का लकवा लेगी। इसलिए अगले कहानी में कहा कि पंजाब की धरणी समर्पित होने वालों के बीच में अव्वल नंबर ले गई। अरे या 83-84 से पहले पंजाब की अन्य कन्याएं सरेंडर नहीं हुई थी? चंद्रमणि गांधी तो कितनी प्रसिद्ध है, सरेंडर नहीं थी तो, लेकिन बाप को उन्होंने नहीं पहचाना, इसलिए वो लिस्ट में नहीं आती। ये सबसे छोटी उंगली है, सबसे कमजोर है, ज्यादा वजन नहीं उठा सकती है। फिर भी क्या अजूबा गरूबा दिखाया है कि सारा गोवर्धन पहाड़ उठा लिया। क्या नाम क्या लिया? गौवर्धन। गौ माने कन्या माताएं,
जो समर्पित होती है, उन समर्पित होने वाली कन्याओं माताओं का पहाड़ इकट्ठा हो गया उनकी भी पालना करने के लिए सहयोगी बन गई। इतनी बड़ी पालना का पहाड़ भी उठाई लिया तो नाम पड़ा गौवर्धन पहाड़। वर्धन माना बढ़ाना। ऐसे नहीं कि यज्ञ के आज में 300-400 थी उतनी ही बनी रहेंगी तो बेसिक की बात होगी। ऐसे नहीं कि एडवांस में अभी 600-700 सरेंडर होने वालों की संख्या हुई तो उतनी ही बनी रहेगी। नहीं, अंत में कितनों को उठाएगी? 16,000 का पहाड़ भी उठाएगी। तो नाम पड़ता है गोवर्धन पहाड़। किसके ऊपर उठाया? उस छोटी सी उंगली के ऊपर उठाया। आप इतनी जोर से बोलिए जो ये भाई सुने। हाँ, जितने भी 12 महीने हैं साल में, 12 महीनों में 3 ऋतुएं होती है, सर्दी, गर्मी और बरसात। ये एक कल्प है, जिस कल्प में सचिव त्रेता है ठंडक देने वाला मौसम। तो कोई का दिमाग गर्म भी होता है, है? बोलो ना, सबका होता है गर्म। सचिव त्रेता में कोई का दिमाग गर्म होता है? सबका दिमाग ठंडा रहता है। वो है सर्दी का मौसम और द्वापर कलयुग है गर्मी का मौसम। सबका दिमाग गर्म हो जाता है। कोई ऐसा है जिसका दिमाग कभी गर्म न हुआ हो? है, सबका गर्म वो है गर्मी का मौसम। लेकिन एक मौसम ऐसा भी है जिस मौसम में गर्मी भी हो जाती है, अतिथि, और अति की ठंडी भी हो जाती है। जब 7-8 दिन लगातार मूसलाधार बरसात होती है बरसात के सीजन में, तो सबका दिमाग कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और जब बरसात नहीं पड़ती है गर्मी ही गर्मी हो जाती है तो सबका दिमाग अति का गर्म भी हो जाता। तो जहाँ अति की गर्मी भी आती है, अति की सर्दी भी आती है, लेकिन अति की बरसात भी हो जाती है, वो है तीसरा मौसम, संगम युग। संगम युग है ज्ञान बरसात का पीरियड। उस ज्ञान बरसात के पीरियड में भी एक श्रावण का महीना है। क्या? श्रावण का महीना, इसमें खूब बरसात होती रहती है। और उस बरसात के टाइम पर आत्माएं नंबरवार पवित्रता की रखड़ी भी बांधती है। और कृष्ण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म भी होता है। और उस बरसात के टाइम पर शिव की खूब बढ़िया पूजा होती है। जितनी बढ़िया पूजा और अच्छी सच्ची पूजा
और ऋतुओं में नहीं होती है, लेकिन सावन के महीने में हर सोमवार के दिन लोटी चढ़ाने जरूर जावेंगे। ये बरसात का मौसम है, तीसरी ऋतु जहाँ ज्ञान की बरसात बहुत होती है और उसके लिए निमित्त प्रैक्टिकल में परमात्मा ही बनता है। जहाँ ब्राह्मण पवित्र बन पाते हैं, श्रावण का महीना विशेष गाया हुआ है शिव की पूजा के लिए। भले महाशिवरात्रि उस महीने में नहीं है क्या? है? नहीं मनाई जाती। महाशिवरात्रि जब मनाई जाती है तब दुनिया में घोर अंधकार होता है। दुनिया वाले प्रज्ञान अंधकार में होते ही है, लेकिन ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया वाले भी साथ अज्ञान अंधकार में होते हैं। और उस अज्ञान अंधकार के बीच में जो एडवांस पार्टी में आने वाली आत्माएं होती है वो भी सब कहाँ होती है? ज्ञान के उजेले में होती है कि अंधकार में होती है? कहाँ होती है? क्षेत्र में साफ अंधकार में होती है। ऐसे अज्ञान के अंधकार के बीच में एक ही ज्ञान का सूर्योदय होता है, जिसको विदेशी आत्माएं पहचानती है, स्वदेशी नहीं पहचान पाती। इस्लामी पहचानते, चीन पहचानते, बौद्धी भी पहचानते, सारे विदेशी विदर्भी भारतवासी नहीं पहचानते। और वो उत्तर भारत के तो अभी भी नहीं पहचान पा रहे। तो वो शिवरात्रि भी नहीं है, श्रावण का महीना। श्रावण का महीना वो महीना है जहाँ खूब ज्ञान की बरसात होती है, हल्की हल्की फुहारें आती है, ज्ञान के झूले झूलते हैं। कौन से महीने में झूले झूले जाते हैं? श्रावण के महीने में झूले झूलते हैं। झूला झूलते हैं तो बहुत ऊंचे जाते हैं, फिर बहुत नीचे आते हैं, बहुत ऊंचे जाते हैं, पीछे की ओर बहुत ऊंचे, फिर आगे की ओर भी बहुत ऊंचे, फिर गड्ढे में भी बहुत नीचे। ऐसे टाइम पर शिव की बहुत पूजा होती है और ढेर की ढेर लोटियां चढ़ाई जाती हैं। क्या क्या नाम दिया है? अंग्रेजी में नाम दिया है जग, और हिंदी में नाम क्या दिया है? लोटा। लेकिन बाबा ने नाम क्या दिया है? लोटी। इतनी ज्ञान में लोट पोट हो जाती है कि इंद्रिय सेवा में अर्पण हो जाती है। उसे लोटी में दिखाते हैं कि थोड़ा सा दूध होता है और बाकी सब पानी ही पानी। जैसे बाबा कहते हैं गंगा यमुना सब नदियां पानी की नदियां है, सचिव त्रेता में होती है दूध गिर की नदियां और यहाँ है पानी की नदियां। क्यों ऐसे बोला? ज्ञान का सागर तो एक परमात्मा ही है, ऐसे क्यों बोला? सागर जो है
वो ज्ञान की लहरों में उछाले मारता रहता है। जो नदियों की उछाले है लहरों की, वो उतनी ऊंची नहीं होती है, वो मनन चिंतन मंथन उतना नहीं करती है। और ज्ञान सागर बाप तो मनन चिंतन मंथन बहुत करता है, इसलिए वो ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो पानी, पानी का लोटा है, लोटी है, मनन चिंतन मंथन करने वाला ज्ञान नहीं है। जितना सुना है उतना ही सुनाती है लोटी, चैतन्य लोटी। जितना ज्ञान सुना है उतना ही ज्ञान दूसरों को सुनाती है, मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकती, उसमें थोड़ा सा दूर होता है। माना ज्ञान सागर ने जो भी ज्ञान नया नया सुनाया वो एडवांस ज्ञान बहुत थोड़ा होता है, और बाकी सारा क्या होता है, पानी ही पानी होता है। ऐसी वो ज्ञान की रोटी भरी हुई अर्पण करती है, इसके ऊपर शिव के ऊपर। भक्तों ने समझ लिया है वो फूल लोटी की बात है नहीं, चैतन्य ज्ञानी की रोटी है, जो ईश्वरीय कार्य में अपने को लोट पोट कर देती है, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंध से पूरा ही अर्पण कर देती है। ऐसे नहीं कि लोटी भी चढ़ाई जाती है, छोटा क्या लोटी भी चढ़ाई जाती है और कुछ नहीं चढ़ाया जाता, अरे गले नहीं चढ़ाई जाती, झूठ बोलते, कलश चढ़ाई जाती है कि नहीं, बड़े बड़े कलश भी चढ़ाए जाते हैं, भरे हुए ज्ञान के घड़े भी चढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है और लोटी चढ़ाने वालों की संख्या जाती होती है। रोटियां बहुत अर्पण हो जाती है, लेकिन एक एक एडवांस के सेंटर में इतने घड़े अर्पण नहीं हो पाते। कौन कहा जाता है चंद्रमा को, चंद्रमा कौन है, ब्रह्मा बाबा है, ज्ञान चंद्रमा, माने वो चंद्रमा का जब बाहर आता है ना, मेरी बारी, तेरी बारी, इसकी बारी, सवार आता है चंद्रमा का जब बाहर आता है, माने चंद्रवंशियों का जो हैड है उसकी जब बारी आती है उसका भी टाइम फिक्स होगा या नहीं होगा, है विनय जी तो पहले पहचान लेते हैं, है? लेकिन पृथ्वी का खास उपग्रह कौन माना जाता है, चंद्रमा माना जाता है, और जो ग्रह नक्षत्र है वो तो पृथ्वी से बहुत दूर है, ज्यादा नजदीक कौन है, चंद्रमा, जो पृथ्वी के बहुत नजदीक है लेकिन है चंद्रवंशियों का हेड, उसकी जब बारी आती है तो उस टाइम की यादगार में नाम रखा गया है सोमवार, किसका बार, चंद्रमा का बार, माने वो चंद्रवंश की कन्या माताएं राधा जैसी जब अर्पण होना शुरू होती है तो उसको कौन सा वार कहते हैं, सोमवार, ढेर की ढेर भागती है, शहद की रानी मक्खी जब एक भागेगी
तो थोड़ी थोड़ी करके भागेंगी या इकट्ठी भागती है, ढेर की ढेर भागती है। तो कहेंगे चंद्रवार, चंद्रवंशियों की बारी आ गई। अभी सरेंद्र कन्याओं में से कोई निकल रही है क्या? निकल रही है, सरेंद्र हो रही है, नहीं हो रही है। सूर्यवार है क्या? सूर्यवार है, लेकिन चंद्रवार अभी शुरू नहीं हुआ है। तो जब गो कन्या माताएं सरेंडर होना शुरू होगी तो समझा जा सकता है वो वेद के अंदर रहने वाले दुर्योधन दुशासन शांत रहेंगे या बौखला जाएंगे। अरे बाहर के घर घर से कन्या माताएं सरेंडर होंगी क्या? और जब उनकी मुट्ठी और बगल में रहने वाली सरेंडर होंगी तो बौखलाएंगे या शांत बैठेंगे? बौखलाएंगे अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, ढेर के ढेर नोट की गतियां खर्च करके धूमधाम मचा देंगे। तो भागवत दुनिया में बढ़ेगी, भागवत की कथा ज्यादा होगी, इंटरेस्टेड हो जाएगी या गीता ज्ञान ही चलता रहेगा? जोर से भागवत चलेगी, ढेर की ढेर भागवत मचेगी। अब शिव बाबा खूब खुश होगा, खूब लहर में आ जाएगा या साधारण ज्ञान सुनाएगा? और ज्यादा लहर में आ जाएगा। अरे जितने भी चंद्रवंशी हैं उन चंद्रवंशियों के बीच में सबसे जास्ती ठंडी बुद्धि किसकी है? जिसको शास्त्रों में हिमालय कहा गया है, पार्वती का बाप कौन है? सबसे जास्ती बर्फ कौन से पहाड़ पर जमी रहती है? हिमालय पहाड़ पर। तो ये ज्ञान की बर्फ जाम हुई पड़ी है। वेदों का सारा ज्ञान तो है कि बाबा ने मुनि ने ये बोला, ये बोला, ये बोला, सबसे पहले उसके ज्ञान सुनते कि नहीं है? सुनते हैं, लेकिन वो बर्फ पिघलती नहीं है, वो ज्ञान जाम हुआ पड़ा है। फिर क्या होगा? हर हर बम बम, बड़े बड़े ज्ञान के बम टूटेंगे। तो बर्फ पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी? पिघलेगी। वो हिमालय पहाड़ जो है हिम का आलय ही बना रहेगा कि बर्फ की नदियां बन जाएगा, वो पानी की नदियां बन जाएगा, पानी की नदियां बन जाएगा, नदियों में बाढ़ आ जाएगी। जो नदियां हैं वो ढेरों को घोड़ मोड़ भी कर देंगी। नदियों में इतना पानी बहेगा, इतना ज्ञान जल बहेगा, इस जल के साथ मिट्टी भी मिक्स होगी या नहीं होगी? जय अभिमानी की मिट्टी भी मिक्स होगी। और जो सांप जैसी आत्माएं हैं वो अंधी हो जाएगी। साधारण नदी बहती है, स्वच्छ जल वाली नदी बहती है, उसमें सांप उल्टा भी चलता है ऊपर की ओर, लेकिन जब उसमें मिट्टी मिल जाती है जय अभिमानी की, तो सांप जैसे जो भिखारी है क्या हो जाएंगे?
आनंद है हो जाएगा। तो देवियों की पूजा उस समय बढ़ेगी या घटेगी? चारों तरफ ज्ञान गंगाएं निकलेंगी और ज्ञान सुनाएंगी तो उनका प्रभाव बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। जब देवियों का प्रभाव बढ़ेगा तो टीवी के चित्र में कौन सा युग है जहाँ देवियों का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाया गया? कलह युग। तो बहुत झगड़े भी होंगे, कलह के तो बढ़ेगा, लेकिन फिर भी संख्या बढ़ेगी ब्राह्मणों की या घटेगी? बढ़ेगी। लेकिन ब्राह्मणों में भी संख्या बढ़ रही है या घट रही है? वहां भी बढ़ रही है, तो यहाँ तो और भी बढ़ेगी। अंत में जाकर के सब डूबी जा डूबी जा और एक एक प्रत्यक्ष हो जाए। तो होना ही है, रामा को बदला नहीं जा सकता। अरे अभी अभी तो बताया कि सोमवार कब होता है, जब चंद्रवंशी की आत्माएं राधा जैसी आत्माएं सरेंडर होती हैं, इसके वंश का प्रभाव बढ़ता है, चंद्रमा के वंश का प्रभाव बढ़ता है, वो सोमवार का आ जाता है। बोली बोली प्रश्न बार बार क्यों पूछ रहे? सोमवार को पूजा नहीं होती? माना श्रावण के महीने में जब बेहद का श्रावण का महीना होगा, ज्ञान की खूब बरसात होगी और उस समय चंद्रवंशी आत्मा सरेंडर होगी, उस समय चंद्रमा की बारी नहीं होगी, चंद्रमा का वार नहीं होगा, कोई दूसरे का वार होगा, मंगल का वार कहा जाएगा, बुध का वार कहा जाएगा, शुक्र का वार कहा जाएगा, नहीं क्योंकि वारी नहीं आई, सोमवार ही कहा जाएगा, शुक्रवार में तो शुक्राचार्य होंगे कान से काने, अवगुण अवगुण देख लिए, अवगुणों को देखा ही कुमार जी में क्या धंधा होता है, अच्छे से अच्छा धंधा भी है और बुरे से बुरा धंधा भी है कुमारों के लिए। कुमारों के लिए बोला है कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। नई दुनिया बनाने में बाप के सबसे बड़े सहयोग बन सकते, अच्छा धंधा हुआ और विनाश करना चाहे तो विनाश के कार्य में भी सबसे आगे जा। होता है विनाश और फिर भी जो होती है स्थापना। शंकर लिंग नहीं कहते, ब्रह्मा लिंग नहीं कहते, विष्णु लिंग नहीं कहते, क्या? Thank you.
जरूर विष्णु और ब्रह्मा के लिंग ने उतना काम नहीं किया है। जितना काम इसके लिंग ने किया है, शंकर के लिंग ने किया। जिनको लिंग होता है, जिनको कोई लिंग नहीं होती है, नहीं होती। शिव तो बिंदी का नाम है, बिंदी की पूजा होती है क्या? पूजा आत्मा की होती है या बड़े रूप की होती है? बड़े रूप की पूजा होती है। तो बिंदु जिस मुकर रथ में बड़े रूप में प्रवेश करता है, वो निराकारी तेज जब पकड़ता है, जैसे कि हाथ है ही नहीं, ना कान टांगे है ही नहीं, ये भाग दौड़ का काम नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, पर लिंग ही लिंग रह जाएगा। आदमी का सर काट दो, हाथ काट दो, टांगे काट दो, क्या रह जाएगा? लिंग रह जाएगा। वो लिंग की दुनिया में पूजा होती है, दुनिया नहीं जानती कि भगवान कोई लिंग नहीं होता है। लिंग होता है क्या? होता है, हम जानते हैं कि भगवान क्या होता है और भगवान जिसमें प्रवेश करता है वो क्या होता है। जिसमें प्रवेश करता है वो लिंग होता है, इसलिए यादगार में स्वर्ण लिंग बनाते हैं, क्योंकि सोने की दुनिया में भी होता है। रजत लिंग बनाते हैं क्योंकि वो चांदी की दुनिया में भी पाठ बजाता है। ताम्र लिंग भी बजाते हैं क्योंकि वो तांबे की दुनिया में भी होता है, द्वापर युग में, और लोहे की दुनिया, पत्थर की दुनिया में भी वो पाठ बजाता है। इसलिए लौ या पत्थर का लिंग भी पूजा जाता है। वास्तव में संगम युग की बात है। क्यों कहा? तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है, माने कोई जन्म में तुमको भी स्त्री बनना पड़ेगा। स्त्री बनोगे, जब स्त्री बनोगे है तो तुम्हारा भी बनोगे। लेकिन कोई कोई जन्म में स्त्री बनेगी कि नहीं बनेगी? जब बनेंगे तो दुनिया का जो बड़े से बड़ा राजा कहा जाने वाला है, जो सैकड़ों रानियां रखेगा, उसकी घरवाली बनोगे कि नहीं बनोगे? तो पार्वती पति तुम्हारा कौन हुआ? नहीं समझ आया? हाँ, पतियों का पति एक ही हुआ ना। दुनिया में मुख्य मुख्य देश तो उतने ही है, इतनी माला में राजा बनने वाली आत्माएं, क्योंकि कोई न कोई देश का ही राजा होता है क्या? कोई न कोई देश होता है, स्थान होता है जिसका नाम देश पड़ता है। मुख्य मुख्य जो देश है वो तो दुनिया में 108 के ही है, जो बहुत प्रसिद्ध है। बाकी तो अभी जो आर्य समाजियों का राज्य आता है, कांग्रेस की राज्य, उसमें तो गांव गांव में राजाएं बन गए। अंग्रेजों ने हर गांव में एक राजा बैठा दिया, लकब धारी बैठा दिया कि नहीं बैठा दिया। उनको राजा कहना ना कहना बराबर है, वो कोई राजा है नहीं है और उसको कोई देश भी नहीं है। संस्कृत युवा नेता जी थे, युवा तो ड्रोन नहीं जाएगा बाबा, संस्कृत युवा नेता जी।
धुआं तो क्रोन नहीं होगा, वहाँ चंद्रमा होगा, चंद्रमा होगा, जब चंद्रमा ही नहीं होगा। हम तो जानते हैं कि ग्रहण की सच्चाई क्या है, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा की परछाया सूर्य के ऊपर पड़ती है, पड़ती है नहीं पड़ती, सूर्य तो आग का गोला है, उसके ऊपर परछाया पड़ेगी नहीं पड़ती है। वास्तव में सूर्य की परछाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा की परछाया पृथ्वी वासियों के ऊपर पड़ती है, जो पृथ्वी वासी चंद्रमा के परछाया में आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं, माने ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के प्रभाव में आ जाते हैं, वो समझते हैं कि सूर्य को ग्रहण लग गया, बाकी सूर्य कभी ग्रहण लगता ही नहीं, सूर्य कभी किसी के प्रभाव में आता ही नहीं, अगर आता है तो इतने ढेर के ढेर ज्ञान सूर्य को पहचानने वाले अपने को कहते हैं, कोई बताए सूर्य के प्रभाव में कभी आया है? अपना ज्ञान सुना करके कभी प्रभावित किया उसे ये तो 5 मिनट के बाद आता है, पहले नहीं आता, एक तो 5 साल के बाद क्यों से पहले 10 साल पहले पूरा सूर्य ग्रहण लगा या नहीं लगा, जब पूरा चंद्र ग्रहण लगा या नहीं लगा, जब ऐसी बात ये झूठे आपने गलत सुना और गलत बोल रहे। असली बात ये है कि एक ही महीने के अंदर संपूर्ण चंद्र ग्रहण हर ग्रह सूर्य ग्रहण जैसा 100 साल में एक बार ही होता है क्या, और वो अनिश्चयता सूचक माना जाता है क्या? हाँ है, बात कहाँ की, सर्वमृग की बात है कि ब्राह्मणों की संगमृग दुनिया में कुछ अज्ञानी ब्राह्मण ऐसे हैं जो ज्ञान सूर्य को नहीं पहचान पाते हैं, वो समझते हैं कि सूर्य पूरा ही डूब गया, अंधकार में आ गया क्या? आज मोदी ने क्या बोला, बाप जब अपना पूरा ज्ञान बच्चों को दे देते हैं तो खाली हो जाते हैं, खाली होते भी नहीं है, दुनिया में भी जो लौकिक बाप है बच्चों में अपनी सारी ताकत रोहित करने के बाद खुद क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। तो वास्तव में जो ज्ञान सूर्य का पाठ है वो गुप्त हो जाता है बच्चों की आंखों से या खाली हो जाता है, गुप्त हो सकता है, अपने को मर्ज कर सकता है। ज्ञान सूर्य जो है वो कभी भी खाली नहीं होता है, बच्चे ऐसा समझते हैं। तो एक ही महीने के अंदर अग्रास भी हो और फिर चंद्रग्रहण भी हो क्या? सूर्य और चंद्रमा
दोनों के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है, वो चंद्रमा का हिस्सा देखने में नहीं आता। माने जो कन्या माता रूपी पृथ्वी है, धरणी है, वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को और उसके फॉलोअर्स को आच्छादित कर देती है, बुद्धि को। तो चंद्र ग्रहण का ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी चंद्रमा को फॉलो करने वाले चंद्रमा पर बुद्धि आधारित रखने वाले जो भी आत्माएं सब उससे प्रभावित हो जाए। किससे? धरणी, यानी कि जो धरणी है, कन्याएं माताएं हैं, उनसे इतने प्रभावित हो जाए उन्होंने सूर्य दिखाई नहीं पड़े, चंद्रमा अंधेरा दिखाई पड़े। चंद्रमा तो होगा ही अंधेरे, रात्रि में ही चंद्रमा होता है कि दिन में होता है? साठ हजार क्यों दिखाया गया? अभी जो कपिल मुनि का पार्ट है, वो कपिल मुनि आध्यात्म विद्या में सांख्य शास्त्र के मुखिया माने जाते हैं। उनके नेत्रों में ही ऐसी ताकत दिखाई गई है कि जब उनको क्रोध आया तो 8000 भी भस्म हो गए। बाबा भी क्या कहते हैं, बहुत तंग करेंगे तो बिना खराब हुआ। कपिल मुनि की यादगार दो ही जगह विशेष है, एक तो कंपिल में के नाम पर स्थान का नाम कंपिल पड़ा, एक मात्रा बढ़ती है ना फॉलोअर्स के अर्थ में, तो कपिल के जो फॉलोअर्स हुए वो जहां उन्होंने बात किया उस स्थान का नाम कम किला पड़ा और उन्होंने अपनी आखिरी समाधि कहाँ लगाई है? गंगा में। गंगा में भी किस स्थान पर? जहाँ गंगा सागर का ये लोग है, ये गंगा है, ये जमुना है, ये जगदम्बा है, ये लक्ष्मी है, या जितने भी और एडवांस में पार्कधारी प्रत्यक्ष किए गए हैं, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, ये प्रत्यक्ष तो किए गए हैं ना। फिर वो विरोधी है, जिसने प्रत्यक्ष किया उसका विरोध कर रहे हैं, या सहयोगी है, अभी सब विरोधी है। ऐसा भी टाइम आएगा सब सहयोगी बन जाएंगे। समाधान हुआ? अरे अभी 7000 एडवांस में हो गए या नहीं हो गए? हो गए। अभी भी नहीं हुए है, 25,000 ही दिखाए जाते हैं। रजिस्टर में संख्या देख लो,
जब तक बच्ची न करे तब तक बाप के बच्चे पैदा हुए या नहीं हुए? नहीं हुए। तो अभी उनकी संख्या ही इतनी है, वो संख्या बढ़कर के 7,000 होगी या नहीं होगी? होगी। तब ज्यादा तंग करेंगे या कम तंग करेंगे? 8,000 पुरुषों ने ज्यादा तंग किया या कम तंग किया था? बहुत तंग किया। क्या अपना मन रूपी घोड़ा कैसे मन रूपी घोड़े को राजा इंद्र ने कहाँ बांध दिया? कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया और उनको चोरी का इल्जाम लगा दिया। वास्तव में माया ऐसे कर्म शक्ति कराती है कि मन को चंचल बनाती है, मन को हरण कर लेती है। यह कपिल मुनि हरण करता है, माया करती है। इंद्र देवी भी माया भी बनता है। क्या बनता है? माया भी इंद्रदेव। कौन हुआ इंद्रदेव? अरे स्वर्ग का अधिपति कौन है? स्वर्ग में रहकर के राज्य करना ज्यादा किसको पसंद है? ऐसी कौन सी आत्मा है जो स्वर्ग में रह करके राज्य करना पसंद करती है? इनका कौन है? ब्राह्मण की दुनिया में कौन है जो स्वर्ग ही स्वर्ग पसंद करता है, नरक में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता? जो प्रजापिता वाली आत्मा है वो तो नरकवासियों को भी पसंद करती है, जो ब्राह्मण जुड़ा हुआ है नरक उसको भी पसंद करती है। सारा ड्रामा ही कल्याणकारी है, तो स्वर्ग नरक बराबर होना चाहिए दृष्टि में। यह स्वर्ग अच्छा अच्छा हप हप करवा करवा दूध क्या होना चाहिए? ड्रामा सारा ही कल्याणकारी है, तो दुख भी पसंद और तो इंद्र देवता कौन हुआ जिसको बहुत ही सहजे चाहता है? जो तपस्या ज्यादा करेगा उसको क्या आता है अंदर? इसलिए हमारा स्वर्ग छीनने वाला है तो दंग। अरे रावण की जितने सिर दिखाए गए हैं उनमें सबसे ज्यादा उन सिरों का बाप कौन है? दुर्योधन। तो घोड़े को मन रूपी घोड़े को ऐसी जगह बांध देता है वो उसके ऊपर इल्जाम सब कोई लगावे देखने वाला। किसने चुराया? किसने चुराया? माताओं में दया भाव ज्यादा होता है, माताएं देखती तो है। अरे जो भी है कैसा भी है हमारा बाबा है, भाइयों दया जल्दी नहीं आती। तो मुझे नहीं कहा कि तुमने कैसे और क्या? तुम सवाल और लेंगे यहाँ निकली करके सवाल सवाल जो है माताएं कन्या ही देती है।
मुझसे भाई लोग कम देते बाबा हर समय 22 जुलाई को जो संपूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ बेहद में उसका क्या अर्थ है बता दिया। दूसरा प्रश्न है बाबा कई भाइयों का मानना है कि 5:30 बजे भाइयों को ऊपर क्लास में क्लास टाइम पर नहीं आने देना है ये मनमत है बाकी मनमत है। बाबा ने तो ये कहा कि कोई भी विधि मधुबन हो उसमें ज्यादा तादाद कन्या माताओं की होती है क्लास में या भाइयों की होती है कन्या माताओं की तादाद ज्यादा होती है तो उसमें कन्या माताओं को बाबा ने क्या कहा गौ कहा या बैल गौ कहा। गौओं के बारे में अगर एक बैल रहेगा तो वो स्वच्छंद व्यक्ति का हो जाएगा हमला कर सकता है कि नहीं जल्दी जोर से बोलो ना कर सकता है इसलिए दो बैल हूँ तो अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो पहले आपस में लड़ाई इसलिए बाबा ने तो ये नियम बनाया कि जो भी मिनी मधुबन है उसमें अकेले भाई को क्लास में नहीं बैठना है क्या अकेला भाई क्लास में ना आए जब 2 हो जाए 3 हो जाए 4 हो जाए तो क्लास में आकर बैठ जाए आप वो बात का बदलगर बनाई दिया। बाबा ने तो ये नहीं कहा कि ढेर के ढेर भाई आकर के 5:30 बजे क्लास में नहीं बैठ सकते बैठते हैं लेकिन अकेला भाई न बैठे। आई ये सब खाता ना हो।